अनुस गार्डन के मेरे सभी दोस्तों को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी इस फूल को पहचानते हैं? जी हाँ, यह है यूफोरबिया मिली, जिसका कटिंग मैंने 2 महीने आगे किया था। तो उसका वीडियो भी मैंने आप सबों के साथ शेयर किया था, आशा करती हूँ आप सभी ने देखा होगा। तो देखिए मेरा कटिंग कितना सुंदर हो गया है, जिसे मैंने इस प्रकार पोट में रखा था। देखिए, तो ये कांटेदार फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। तो अब विंटर आने वाले हैं, तो इसमें फूल लगेंगे, बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव फूल, और जो 2 महीने 3 महीने तक इस प्रकार खिले रहते हैं। तो ये बहुत ही सहज प्रोसेस है। देखिए, इसे कटिंग करके मैंने यहाँ लगा दिया था। सभी कितने सारे और कितने सुंदर तंदुरुस्त हो गए हैं सारे प्लांट, देखिए। तो अगर हम इससे ज़्यादा फूल चाहते हैं और विंटर के बाद ही इसमें 2-3 महीने फूल खिलते रहे, तो इसके लिए हमें कुछ प्रयोग करना पड़ता है। तो ये देखिए, मेरे इसमें मैंने DAP के घोल बना लिए हैं। तो घोल मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि इसके पुट छोटे हैं, तो इसे यूज करने में सहज होगी। देखिए, DAP के दाने को मैंने पानी में भिंगोकर 1 रात के लिए रख दिया था। तो अब मैं इन्हें 1 चम्मच कर मेरे सभी पोट में इस प्रकार से लगा दूंगी। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं आप सबों से शेयर करना चाहती हूँ। कटिंग के 2 सप्ताह तक हमें इस कटिंग को छांव वाले जगह में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब डायरेक्ट हम सन में रखेंगे तो इसके प्लांट गल सकते हैं धूप से। तो मैंने भी यही प्रोसेस किया। तो 2 हफ्ते बाद देखिए, मैंने इसे यहाँ रख दिया है जहाँ इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। तो सनलाइट ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, और सनलाइट ही इसके लिए बेस्ट होती है इस फूल को खिलने के लिए। तो ये अब मैं सनलाइट में ही इसे रखूँगी जहाँ इसे अच्छी तरह से धूप मिल सके। तो मैंने इन पौधों में DAP के सारे घोल लगा दिए हैं। तो अब इसे देखते हैं कि ये कितने फूल खिलेंगे, इसका भी अपडेट लेकर मैं आप सबों के साथ आऊँगी। तो अनुस गार्डन के साथ बने रहने के लिए मेरे सभी दोस्तों को हमेशा शुक्रगुजार करते हुए, आप सबों को धन्यवाद करते हुए, मैं आज का वीडियो यहीं शेष करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विदा चाहती हूँ। धन्यवाद, टेक केयर।